न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कानपुर सेल्स प्रबंधक राजू रहमानी ने हिस्सेदार कमलेश पाठक पर धोखाधड़ी और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया। राजू ने आरोप लगाया कि कमलेश ने उसे कंपनी में नौकरी देने का वादा किया और मॉल रोड स्थित ऑफिस के लिए पौने 2 लाख रुपए दिए। पैसे और वेतन की मांग पर कमलेश ने मारपीट की और धमकी दी। राजू ने नोटिस भेजने पर चरित्र हनन और अफवाह फैलाने का आरोप लगाया। शिकायत के बाद थाना हर्बंस माहौल में मामला दर्ज कराया है। घटना ऐसी है सर कि कमलेश पाठक नाम के व्यक्ति के संपर्क में मैं आज कम से कम 6-7 महीने पहले आया था। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने मुझसे बोला, तकरीबन आज से 2 महीने पहले, कि हमें एक ऑफिस ओपन करना है और इसके लिए आप हमें आर्थिक रूप से सहायता करें, कुछ पैसों की मदद करें और उस कंपनी में मैं आपको ऐसा एक SM की पोस्ट दूंगा जिसमें आपकी 25,000 रुपीज़ यानी 25,000 रुपये सैलरी होगी। उसके बाद सर जब मैंने सारी चीज़ें कर दी, हर तरीके से चीज़ें स्टैंड अप हो गई और जब मैंने उसे अपनी सैलरी और पैसे की डिमांड करी कि सर मेरा ये 96,000 जो ऑनलाइन आपका पैसा है वो दे दीजिए और क्या कहते हैं 2 महीने की सैलरी प्लस 35-40,000 जो कैश दिए थे, तो उसके एवज में उसने एक ऑफिस एम्प्लॉय के साथ मिलकर जिसका नाम है रंगोली सविता, एक साजिश के तहत मेरे पास एक नोटिस भेजी सर। आगरा में एक दिलचस्प मामला सामने आया जहां 2 दोस्तों ने एक अन्य दोस्त की जमानत राशि जुटाने के लिए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। जिशान और रवि ने एक बंद मकान में चोरी की जिसकी जानकारी उन्हें उनके तीसरे साथी नदीम ने दी है। नदीम की जानकारी पर जिशान और रवि ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कब्जे से पीली और सफेद धातु के आभूषण बरामद किए हैं। ये घटना आगरा के थाना ट्रांस यमुना क्षेत्र की है। पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। अवगत कराना है कि थाना ट्रांस यमुना में 20/7/2024 की रात्रि को एक बंद मकान में 2 युवकों द्वारा चोरी की घटना को पारित किया गया। इसमें से एक युवक का नाम जिशान है और एक का नाम रवि है। पूछताछ में इन्होंने बताया कि रवि का जो भाई है वो चोरी के मामले में जेल जा चुका है, तो उसकी जमानत के लिए इनके पास पैसे की कमी हो रही थी। इस संबंध में इन दोनों ने रेकी कर एक मकान को। जिला कांग्रेस अध्यक्ष संदीप सिंह राणा और महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा के संयुक्त नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने सहारनपुर नगर निगम परिसर और कलेक्ट्रेट परिसर में इकट्ठा हुए। पहले नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और उसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचकर महान राष्ट्रपति महोदय को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को दिया है। दावा करता है, बाकी करते कुछ नहीं है। सब ने पैसे खाए हुए हैं, ऊपर से नीचे तक पैसा बटा हुआ है। जितना सरकार, हमें नहीं पता क्या सरकार दे रही है और क्या ये लगा रहे हैं। यहाँ सिर्फ बजरी और सीमेंट के नाम पे रेता और कुछ भी नहीं लगा रहे। इनके पास कोई भी एक ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे ये कह सके कि स्मार्ट सिटी का काम कोई अच्छी तरह से चल रहा है। और यहाँ नहीं, पूरे देश में यही हालत है। ये सिर्फ बजट बना रहे हैं, ये नेता लोग खा रहे हैं या सरकारी शासन प्रशासन खा रहे हैं। अपने 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष विनय रोहेला गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिशनपुर भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर BRO को रिपोर्ट तैयार और भूस्खलन से अवरुद्ध मार्ग का मलबा हटाने की त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए नजर आए। उपाध्यक्ष श्री रोहेला ने गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थान बिशनपुर का निरीक्षण करने के बाद जिला आपदा प्रबंधन केंद्र पहुंचकर जनपद उत्तरकाशी के यमुनोत्री गंगोत्री धाम नाकुरी बरसाली पंजियाला धोत्री बड़कोट और मौरी में हुए क्षतिग्रस्त कृषि खेती भूमि सड़क पुलिया और पैदल मार्गों की समीक्षा की। क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरकाशी के में मेरा आगमन कल जिला आपदा प्राधिकरण की बैठक है, उसके अंतर्गत विभिन्न विषयों की चर्चा करने और यहाँ पे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में भ्रमण करने, वहाँ पे जानकारी करने इस दृष्टिकोण से हम आए हैं। और अभी अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, जनप्रतिनिधि और सामाजिक कार्यकर्ता के साथ ही मिलना होगा ताकि जन समस्याओं का पता लगे। मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मानसून सत्र के प्रारंभ से ही शासन को प्रशासन को निर्देश दिए थे कि सभी आपदा के अंतर्गत हम सभी लोग व्यवस्थित हो रहे, जैसे अपनी मानसून सत्र के मध्य में हमको अपनी तैयारियां अलग से करनी है और उसके मानसून सत्र से पहले की तैयारियां पहले करनी। उत्तरकाशी के भटवाड़ी ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में हाल ही में ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत द्वारा किए गए निरीक्षण में गंभीर लापरवाही सामने आई। निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में तालाबंदी पाई गई। छात्र छात्राएं शिक्षकों के इंतजार में स्कूलों के बाहर खड़े मिले। भटवाड़ी ब्लॉक के अधिकांश स्कूलों में शिक्षक 50 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय से आते हैं और सड़क बंद होने की स्थिति में वे समय पर विद्यालय नहीं पहुंच पाते जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ये समस्या भटवाड़ी के लोगों के पलायन की एक वजह भी बन गई है। शासन ने शिक्षकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बरसात के मौसम में अपने कार्यक्षेत्र के आसपास ही रहें ताकि पढ़ाई बाधित न हो। ब्लॉक प्रमुख विनीता रावत ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए कहा कि ये बच्चों के भविष्य से संबंधित मामला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं पास में मैंने देखा ताला लग रहा, अभी तक 10 बज गए अभी तक ताला नहीं खुला, टीचर नहीं आई। और वहाँ से मैं जो नेहरा हाई स्कूल है वहाँ पे एक टीचर पाया गया और फिर मैं पाला गांव में आ रखी, इस स्कूल में आ रखी, यहाँ पे ताला पूरे ताला लग रखा।
यहाँ के जनप्रतिनिधियों का और यहाँ के जो आम आदमी उनका कहना है कि यहाँ पे टीचर अभी तक बच्चे आ रखे तैयार होके बच्चे वापस चले गए। और मैंने वहाँ से बात से मैंने अभी बार स्कूल से मैंने वीडियो साहब से बात की, उन्होंने कहा कि हम मैं उनको आदेश करूंगी तो करूंगी कि मैं वहीं पे जहाँ स्कूल है आजकल क्योंकि आपदा रोड ब्लॉक क्योंकि हमारे बच्चों की बर्बादी हो रही और हर जगह स्कूल बंद पड़े हुए हैं। उत्तरकाशी के युवाओं ने स्थानीय किसानों की आजीविका को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड किसान मार्ट के नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए स्थानीय काश्तकार अपने स्थानीय उत्पाद उत्तराखंड किसान ऐप पर बेच सकेंगे, जिसके उन्हें अच्छी कीमतें दी जाएंगी, जिसके बाद उन उत्पादों को बाजार ऐप के जरिए होम डिलीवरी कर बेचा जाएगा। किसान मार्ट की जसवीर ने बताया कि उत्तरकाशी जिले के कई जगहों पर सब्जियों दालों फलों का उत्पादन होता है लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल पाता, जिसको लेकर वो लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। अब ऐप बनाकर स्थानीय उत्पादों की होम डिलीवरी करेंगे। इसके साथ ही स्थानीय काश्तकारों को रोजगार के साथ उत्तरकाशी के लोगों को ऑर्गेनिक सब्जियां उनके घर पर ही उपलब्ध हो पाएंगी। ये जो हमने उत्तराखंड किसान मार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया है, इसका हमारा मकसद ये था कि छोटे से लेकर बड़े किसान तक सबको प्रॉफिट हो, पर छोटे का इसमें ज़्यादातर बेनिफिट ये है कि खेती आदमी कर रहा है परंतु उसको 2-4 किलो 5-10 किलो बेचने में कहीं ना कहीं वो बेच नहीं पाता है, उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, परंतु इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए जब वो हमको जो हमने ऑनलाइन नंबर दिए हैं उन पर जब वो हमसे बातचीत करेंगे या हमको बताएंगे कि हमारे पास 2 किलो भिंडी है 4 किलो गोभी है तो हम वो लेने को भी तैयार हैं, जिससे कि उनके मन में आगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ऋषिकेश पहुंचे। विस्थापित कॉलोनी के एक स्कूल में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए पौधारोपण किया। कार्यक्रम में कई भाजपा नेता कार्यकर्ता शामिल हुए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पौधारोपण बरसात के सीजन में सबसे ज्यादा लाभदायक साबित होता है। लोगों को औषधीय और फलदार पौधे लगाने की जरूरत है, जिससे पर्यावरण संरक्षित हो और भविष्य में लोग ऑक्सीजन की कमी महसूस न करें। ऑक्सीजन की कीमत का पता सबसे ज्यादा हमें कोरोना काल में पता चला। और उनका पेड़ों से प्रेम बढ़े, इसीलिए भारत सरकार ने राज्य की सरकार ने इस हरेला में जो थीम दी है एक पेड़ माँ के नाम, ताकि बच्चों का जो अपना स्नेह माँ से होता है उसी तरह उसी स्नेह को पेड़ से रखकर वो पेड़ के प्रति उनका एक अटैचमेंट भावनात्मक लगाव हो और पेड़ को बचाने में काम करे। क्योंकि आज जिस तरह से हम प्लांटेशन करते हैं, इस साल हमें 1,64,00,000 पेड़ों का प्लांट करने का हमारा इस वर्ष का टारगेट लक्ष्य है, लेकिन जो सक्सेस रेट है वो 30% के आसपास है। तो मेरा सबसे बड़ा फोकस है कि सक्सेस रेट को बढ़ा करके 70% करना है। तो रेड फोर्ट स्कूल ने ये आयोजन किया, बच्चों के अंदर मैडम पूरे प्रशासन को उसकी प्रशासन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। परशुराम सभा जिसने इसका आयोजन किया उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। और बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों से मैंने आपसे कहा कि जहाँ उनका पेड़ों से जंगलों से लगाव होगा तो बढ़ता हुआ जो आज पूरा एक ग्लोबल इश्यू है, ग्लोबल वार्मिंग का है, क्लाइमेट चेंज का है, लगातार वाटर लेवल नीचे चला जा रहा है। मोटर मार्ग पर थराली गांव को जोड़ने वाली प्राणमती नदी पर बनी ट्रॉली के रस्से में पैर फंसने से थराली गांव के एक युवक की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना को लेकर जताया आक्रोश। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के खिलाफ स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। अधिशासी अभियंता के खिलाफ हुई नारेबाजी घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। एक साल से थराली गांव को जोड़ने वाला पुल नहीं बनने से स्थानीय लोगों का फूटा गुस्सा। लायंस क्लब ऋषिकेश डिवाइन ने जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 58 लोग रक्तदान करने के लिए पहुंचे। शिविर में 52 लोग रक्तदान करने में सफल रहे, जबकि 6 लोग हाथ में टैटू गुदवाने की वजह से रक्तदान नहीं कर सके। क्लब के अध्यक्ष ललित मोहन मिश्रा ने बताया कि रक्तदान करने में आधा दर्जन महिलाएं भी शामिल रही। इन दिनों बारिश की वजह से डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से ज्यादातर अस्पतालों में ब्लड बैंक में खून की कमी देखी जा रही है। इसलिए डिमांड कर क्लब ने जरूरतमंद मरीजों की मदद के लिए रक्तदान शिविर लगाना शुरू किया। रक्तदान शिविरों में हिमालय अस्पताल के ब्लड बैंक टीम ने अपना सहयोग दिया। गदरपुर पुलिस अधीक्षक मंजुना टीसी ने गदरपुर थाना परिसर में बाइक चोरी के मामले का खुलासा किया। गदरपुर पुलिस ने सीसीटीवी और मोबाइल की सूचना के आधार पर दीपक उर्फ साबी को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक के पास से 16 मोटरसाइकिलें बरामद की गई है। पूछताछ में पता चला कि उसने गदरपुर आसपास के क्षेत्रों से मोटरसाइकिलें चोरी की थी और उसे सस्ते दामों पर बेचा करता था। दीपक के खिलाफ पहले भी वाहन चोरी और गैंगस्टर अधिनियम के तहत मामले दर्ज है, उसे संबंधित धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश रहता है अपराध मुक्त उत्तराखंड हमें बनाना है। इसी क्रम में माननीय डीजीपी महोदय और माननीय डीआईजी महोदय का निर्देश रहता है कि संगठित अपराधों के विरुद्ध काम करना है। आज साथियों मैं बताना चाहूंगा, बड़े हर्ष का विषय है, गदरपुर थाना पुलिस को बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है। संगठित अपराध में एक बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है उनके विरुद्ध। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक मिडिल क्लास परिवार को बहुत आहत पहुंचाने वाला एक अपराध होता है बाइक चोरी। तो आज गदरपुर थाना पुलिस को
बेहतरीन सफलता मिली है। एक ऑटो लिफ्टर का, एक शातिर ऑटो लिफ्टर की गिरफ्तारी हुई है। नगरीय निकाय निदेशालय लखनऊ ने 5 अगस्त 2024 को आदेश जारी किया है, जिसमें सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि नगर पंचायत और नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अपने कार्यस्थल पर निवास करना होगा। सभी अधिशासी अधिकारियों को 7 अगस्त 2024 तक अपने विकास पते की सूचना ईमेल के माध्यम से भेजनी होगी। अनुपस्थित पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम गुड गवर्नेंस और सेवा गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। रिपीट, गाजियाबाद में सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल में काकोरी ट्रेन डकैती के 100वें महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर गाजियाबाद के डीएम इंदर विक्रम सिंह और प्रधानाचार्य माला कपूर ने ऐतिहासिक घटना की चर्चा की। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेलवे स्टेशन पर ब्रिटिश खजाना लूटने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों ने योजना बनाई थी, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद और अन्य शामिल थे। इस डकैती में जर्मन माउजर पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ था। क्रांतिकारियों को बाद में फांसी और जीवन भर की सजा मिली थी। थाना कोतवाली नगर में 14 साल की लड़की के साथ दो अज्ञात लड़कों द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज की गई। पीड़िता ने विरोध किया तो उसे जान से मारने और तेजाब डालने की धमकी दी गई। तहरीर का तत्काल संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जो नाबालिग है। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कि एक पिता द्वारा यह बताया गया कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री के साथ में दो अज्ञात लड़कों द्वारा स्कूल जाते वक्त छेड़छाड़ की जा रही है। और जब उस बच्ची द्वारा इसका विरोध किया गया तो उन लड़कों द्वारा उसको जान से मारने और उस पर तेजाब डालने की धमकी दी गई। इस तहरीर का तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है और इसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसके पश्चात तत्काल टीमों का गठन कर जो दोनों अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास प्रारंभ कर दिए गए थे और सीसीटीवी फुटेज इत्यादि के आधार पर उन दोनों ही अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पौड़ी जिले में चौबट्टा खाल विधानसभा के बौराखाल स्थित ब्लॉक में आदर्श प्राथमिक विद्यालय में बीरवाल तीलू रौतेला का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय महिला मंगल दलों विद्यालयों ने तीलू रौतेला की जीवनी पर आधारित गीतों, नाटकों और नृत्यों का प्रदर्शन किया। हंस फाउंडेशन और हंस कल्चर की ओर से सभी प्रतिभागियों को उपहार दिए गए। ब्लॉक प्रमुख राजेश कंडारी ने विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। पूर्व प्रमुख पोखरा सुरेंद्र रावत ने तीलू रौतेला को जीवन पर विचार करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी और को उनके त्याग और बलिदान से प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रतियोगिता में जनतंत्र कॉलेज पाली खटाली को प्रथम, आदर्श प्राथमिक विद्यालय बौरीखाल को तृतीय, द्वितीय और सरस्वती शिशु निकेतन बैजरो को तृतीय स्थान मिला है। इसके बारे में हमने खुद ही ये गाना बनाया था, उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। हमें बहुत गर्व है कि हम तीलूखाल ब्लॉक के हैं और तीलू रौतेला हमारे ब्लॉक में जन्मी हुई एक ऐसी वीरांगना है जिसने कि 13 गणों पर अपनी विजय प्राप्त की। हमें उनका बहुत गर्व है और हम और यह आज हमें हमारा प्रथम पुरस्कार आया है तीलू रौतेली के जन्म उत्सव पर। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कंडारी जी का भी, जिन्होंने ये प्रोग्राम रखा, समस्त जनता का जिन लोगों ने जो लोग आते हैं और उत्सव से तीलू रौतेली का जन्म दिवस मनाते हैं। कोटद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के साथ मिलकर कोटद्वार के गुल्लर झाला में वृक्षारोपण किया। दोनों ही नेताओं ने अपने नाम से इलाके में वृक्षारोपण करते हुए सभी से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने की अपील की गई। मंत्री ने कहा कि पेड़ के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। वहीं उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारणों पहाड़ों पर भी अभी गर्मी बढ़ने लगी है। उन्होंने कहा कि आम जनता से भी अपील करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं। मैं पौड़ी जिले के प्रभार मुझे मिला है एक पेड़ माँ के नाम, जो केंद्र सरकार और माननीय मोदी जी का एक सपना है कि उत्तराखंड में और पूरे देश में जो है जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की जनता आगे बढ़े। और उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है एक पेड़ माँ के नाम, जिसके प्रभार में मुझे पौड़ी जिला मिला था इस प्रोग्राम को देखने के लिए, धरातल को उतारने के लिए। पिछले 3 दिन से लगातार मैं पौड़ी जिले में हूँ। श्रीनगर विधानसभा गया था, पौड़ी विधानसभा गया था, चौबट्टा काल गया था, आज कोटद्वार में हूँ और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और हमारी पब्लिक से आपके चैनल के माध्यम से एक ही निवेदन भी है कि आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित अगर रखना है उनको स्वच्छ जल और भारतीय किसान यूनियन देशभर में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाल रही है। मंगलौर में भी संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ट्रैक्टर तिरंगा मार्च निकाला गया। किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा गुड़मंडी से शुरू होकर नेशनल हाईवे से होते हुए अब्दुल कलाम चौक तक पहुंचे और कई मांगों को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को ज्ञापन सौंपा गया। इस किसान ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा का मुख्य उद्देश्य प्रदेश सरकार का ध्यान किसानों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज पूरे भारत में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकली और इसमें जो स्थानीय मुद्दे थे, जो किसानों की लोकल की जो समस्याएं थी, उन्हें लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया गया।
और हमारा आज पूरे जनपद हरिद्वार में तिरंगा यात्रा निकली 6 के 6 ब्लॉक में। और हमारा यह है कि जो हमारी मांग है किसानों का कर्जा माफ़ करा जा, किसानों को ऊर्जा प्रदेश होने के कारण बिजली फ्री दी जा, और 10-10 हज़ार के जो सीपीयू के द्वारा चलान काटे जा रहे हम 10 हज़ार का चलान कोई भी नहीं देंगे। कृष्णा गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी 11 अगस्त को ग्लोबल हीलिंग डे ऋषिकेश में मनाएगा, जिसमें देश विदेश के लोग शामिल होंगे। संबंध में कृष्ण गुरुजी सोशल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें आध्यात्मिक हीलर कृष्णकांत मिश्रा कृष्णा गुरुजी ने बताया कि धर्म और पंथ से पहले मानवता बड़ी चीज़ है। इंसानों को पता धर्म में बांटने से इंसानियत का गला घोटा जा रहा है, इसलिए 11 अगस्त को धर्म पंथ देश विदेशों के लोगों को एक कड़ी में बांधने की कोशिश की जाएगी। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग हमारे आयुर्वेदिक सूफी विद्या का शिविर 9 तारीख से प्रारंभ हुआ है परमार्थ नित्यकंद आश्रम में, जिसमें हम अलग अलग देशों से आए हुए लोग, जैसे भारत के अलग अलग शहरों से अमेरिका दुबई कनाडा से लोग आए हुए हैं, और उन्हें यह भाव से आए हैं कि वह अपने आप को अपनी समस्याओं को अपने ग्रहों को अपने अनुकूल कैसे करें। क्योंकि हमारा जो स्पर्श चिकित्सा का डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट है, इसमें हम अपनी परेशानियां तनाव को स्वयं शक्ति से कैसे दूर करें। बाइक चोरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को लोगों ने किया सम्मानित। थाना सावर पुलिस ने अंतरजनपद वाहन चोर गैंग का खुलासा किया था। पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया, उनके कब्जे से 14 बाइकें बरामद की। लोगों द्वारा सहावर थाना परिसर में सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहावर कस्बे के लोगों ने पुलिस टीम को फूल माला पहनाकर शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। एटा में देर रात सुन्ना नहर के पास पुलिस और 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस की कॉम्बिंग के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दी। बचाव में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश आकाश मौर्य घायल हो गया। आकाश मौर्य जो अलीगंज थाना बरेली का निवासी है, वो पुलिस मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा चुकी है। घायल बदमाश के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और नकदी बरामद हुई है। इंडो नेपाल बॉर्डर इलाके के सोनपथरी में अनियंत्रित होकर नदी में गिरी बलेरो गाड़ी, तेज बहाव होने के कारण बहने लगी बलेरो। एसएसबी के जवानों की सूझबूझ से बची बलेरो में 5 सवारों की जान। एसएसबी जवानों ने रस्सा बांधकर बलेरो को बहने से बचाया। बलेरो में सवार 5 लोग बहराइच जिले के निवासी। एसएसबी जवानों की तत्परता से बलेरो सवार सभी लोग सुरक्षित बचे हैं। बहराइच से श्रावस्ती के सिरसिया इलाके के स्थित सोपथरी आश्रम जा रहे थे लोग। राजधानी लखनऊ में 100 साल पहले हुए काकोरी कांड को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा काकोरी कांड के नाम को पिछले वर्ष परिवर्तित करते हुए काकोरी ट्रेन एक्शन का नाम दिया गया। अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से हिला देने वाले महान क्रांतिकारियों की याद को ताज़ा किया गया। काकोरी कांड में पकड़े गए क्रांतिकारियों लखनऊ की जेल में रहते हुए निडर होकर मेरा रंग दे बसंती चोला गीत रचा भी था, और कोर्ट में पेशी के दौरान जब ये गीत गाते हुए क्रांतिकारी पहुंचे तो देशभक्ति की ज्वाला लोगों में उमड़ पड़ी थी। जिले में काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया गया कार्यक्रम। शहीद स्मृति वाटिका स्थापना में वन विभाग ने किया कार्यक्रम का आयोजन। शहीद स्मृति वाटिका में जिला पंचायत अध्यक्ष और बीजेपी विधायक और डीएम ने किया वृक्षारोपण। काकोरी कांड दिवस पर डीएम ने कहा कि शहीदों के नाम हर व्यक्ति करे वृक्षारोपण। शहीद स्मारकों अमृत सरोवरों अमृत वाटिकाओं पर एक पेड़ मां के नाम कराया जाएगा वृक्षारोपण। विधायक रामफेरिन पांडे ने शहीद जन नायकों के नाम किया पौधारोपण। आगरा जीआरएम पुलिस ने 470 गुमे मोबाइल किए बरामद। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 94 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रेनर स्टेशन पर चोरी या गुम हुए मोबाइल किए बरामद। जीआरपी ने बरामद मोबाइलों को मोबाइल स्वामी को सुपुर्द किए। मोबाइल स्वामी के चेहरे पर मोबाइल पाकर खुशी देखी गई। मोबाइल स्वामी ने जीआरपी पुलिस का धन्यवाद किया। काकोरी ट्रेन एक्शन तो इस आज़ाद भारत के समस्त नागरिकों के दिमाग में एक ऐसा समारोह मनाया जा रहा है जिसका 100 वर्ष पूरा हो रहा है, और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे वर्ष ये कार्यक्रम शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाएगा। और उस परिप्रेक्ष्य में आज बृहद वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम वन विभाग के मुखिया प्रभागीय वनाधिकारी के नेतृत्व में जनपद श्रावस्ती में एक वृक्ष माँ के नाम देते हुए उन अमर शहीदों के माँ को नमन करते हुए, उनके परिवार को नमन करते हुए, उन शहीदों को नमन करते हुए और सच्ची श्रद्धांजलि। दबंग भूमाफिया ने हथियाए दिव्यांग की जमीन। दिव्यांग ने भाई से जमीन का फर्जी तरीके से पैमाना कराने का आरोप लगाया। देवनाग संगठन के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर गुहार लगाई है। गुरसरायगंज के किदवई नगर का पीड़ित छुट्टन अली सौरिक में बेशकीमती जमीन हथियाने का आरोप लगाया। सौरिक के सरदापुर का दबंग लाइक है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन के कार्यालय का उद्घाटन मोहित अग्रवाल को बनाया गया। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन का जिलाध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष नितिन अग्रवाल आबकारी मंत्री का मनाया गया जन्मदिन। कार्यालय उद्घाटन के दौरान केक काटकर मनाया गया जन्मदिन। कार्यक्रम में समस्त व्यापारी मौके पर मौजूद रहे। शहर की गोदावरी स्टेट कॉलोनी में किया गया कार्यक्रम का आयोजन। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार जो भी व्यापारियों की जो भी समस्या होंगी उसको संघर्ष आगे बढ़ाया जाएगा, उसको पूरा कराने का प्रयास किया जाएगा। व्यापारियों में लगातार जो समस्याएं जो मेन जो रहती हैं, जैसे या तमाम वो जो छोटे व्यापारी उनको जो है खदेड़ा जाता है या उनको हटाया जाता है, उनके साथ शोषण किया जाता है, उसको लेकर जागरूक करें।
उसको लेकर संघर्ष करेंगे, लोगों से लोग जन जन तक उनकी समस्याएं पहुंचाएंगे, डीएम से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे और फिर तक अपने माननीय मंत्री के साथ उनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे। यूपी के जालौन में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। इस दौरान ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों ने मंडी परिषद से कलेक्टर परिसर तक तिरंगा यात्रा निकालते हुए सरकार को संकेत दिया कि किसानों के हित में जल्द से जल्द कार्यक्रम की जो मांगे उन्हें मांगों को तय समय से पूरा किया जाना चाहिए। ये संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पर आज ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्वक ट्रैक्टर मार्च जो तिरंगा यात्रा मेरी थी उसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश के जनपद जालौन में तिरंगा मार्च और ये ट्रैक्टर यात्रा हुई। मंडी से चल करके हम और मुख्य मार्ग से होते हुए कलेक्ट्रेट गेट तक आए जो मेरा घोषित था। यहाँ आकर के हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन जिसमें एमएसपी गारंटी कानून और एमएसपी गारंटी कानून बनना चाहिए और किसानों के कर्जे माफ होना चाहिए, अन्ना प्रथा पर लगाम लगना चाहिए। और मॉडल शॉप के सामने भयानक सड़क दुर्घटना में महिला और बच्चों की मौके पर मौत। अज्ञात तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार को घसीटते हुए फरार हो गया। मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी महिला और बच्ची मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मोटरसाइकिल चालक सुरक्षित है। आपको बता दें कि पूरा मामला क्षेत्र तालाब स्थित मॉडल शॉप के सामने का है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।